दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। तो दोस्तों दो दिन से मैंने रेगुलर वीडियो अपलोड किया है बट आप लोग नहीं देख रहे हो। प्लीज़ दोस्तों अगर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रही है तो वीडियो पे जरूर क्लिक करो और देखो मतलब मैं क्या आप लोग को दिखा रहा हूँ प्लीज़। और दोस्तों मेरा ही गलती है, मैंने कंसिस्टेंट वीडियो नहीं अपलोड किया है, मैंने दोस्तों कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखा है। कहने का मतलब बहुत दिन छोड़ के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप लोग को भी लगता होगा कि ये बहुत वीडियो अपलोड नहीं करेगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। परेशानियाँ दोस्तों काफ़ी बढ़ गई थी इसलिए दोस्तों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और अब दोस्तों मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। मेरी वीडियो दोस्तों आपके पास पहुँचती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन के बगल में बेल आइकन है दोस्तों, उसे क्लिक करें और ऑल पे सिलेक्ट करके उसे छोड़ दें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए दोस्तों आप लोग को तुरंत पता चले। वैसे भी दोस्तों 1 अप्रैल से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आज है 3 तारीख और संडे भी है। तो मेरा प्लान दोस्तों कुछ नहीं है, कहने का मतलब कहीं जाना भी नहीं है दोस्तों काम पे हमें, और घर पे ही रहना है तो कुछ पेंटिंग बनाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक थर्माकोल पे ही पेंटिंग बनाऊँ तो वो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल हमें जाना है देवीगुड़ी चौक, वहाँ से लौटेंगे उसके बाद ही हम वो सब काम करेंगे। अचानक दोस्तों तोरपा जाने का हम लोगों ने प्लान बना लिया क्योंकि दोस्तों मेरे पास ब्रश जो है वो ख़त्म हो गए थे तो उसी को लेना है दोस्तों। तो हम हैं आधे रास्ते पे और हमेशा की तरह दोस्तों इस पुल पे मैं रुकता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरी कई व्लॉग में मैंने यहाँ पे रुक के वीडियो बनाया है, तो ये दोस्तों मैं हमेशा रुकता हूँ। और मेरे साथ आया है पवन हाइकर, तो शशि दोस्तों उसका कुछ काम पड़ रहा था इसीलिए दोस्तों शशि नहीं आया। और नदी का जो पानी है दोस्तों वो देखो कितना सूख चुका है, गर्मियों में सूख ही जाता है दोस्तों। और इधर भी देखिए पीछे साइड किस तरह से दिखता है। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ का नज़ारा दोस्तों बहुत अच्छा लगता है इसलिए दोस्तों हम लोग जब भी आते हैं तो यहाँ पे रुक ही लेते हैं। ये तोरपा से दोस्तों जस्ट 10 किलोमीटर पहले ये पुल है। यहाँ का खूबसूरती दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद है और पीछे साइड आप देख रहे होंगे जंगल दिख रहा होगा और इस किनारे साइड ईंटा वाला भट्ठा है जहाँ पे ईंट बनता है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ का काम हम लोगों का हो चुका है, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और दोस्तों शाम भी हो चुकी है, बहुत लेट हो गया यहाँ पर, तो चलिए सीधे घर चलते हैं। उसके बाद ये इतने सारे हम लोगों ने ब्रश खरीदे हैं तो आप लोगों को मैं घर में दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर, और दोस्तों मैं काफ़ी लेट से व्लॉग शूट कर रहा था इसलिए काफ़ी जल्दी शाम भी हो गई और मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाया, बस तोरपा गया दोस्तों उसके बाद लौटा। और तोरपा में भी दोस्तों मुझे काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि वहाँ पे मेरे दोस्त लोग मिल रहे थे तो उन लोगों के सामने मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ दोस्तों, वो लोग मजाक उड़ाते हैं। स्पेशली दोस्तों मुझे ब्रश खरीदने थे, ये जो ब्रश मैंने लाए हैं मेरे पास सारे ख़त्म हो चुके थे दोस्तों और यहाँ पर ये ब्रश नहीं मिलता है तो इसीलिए दोस्तों मैं तोरपा गया हुआ था बस, और कोई काम नहीं था। तो चलिए फिलहाल ये ब्रश कैसा है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये ब्रश है वो जो मैंने आज खरीदा है, ये लोकल मार्केट में दोस्तों मिल जाता है बट यहाँ बसिया में ये अवेलेबल नहीं है। इसका जो क्वालिटी है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, और ब्रश अच्छा कब होता है ब्रश सेलेक्ट करना नहीं आता है तो मैं बता दूँ आपको, ब्रश का जो हेयर है वो मोटा होना चाहिए, कहने का मतलब जो ब्रश का थिकनेस जो है वो थोड़ा मोटा होगा तो आपको लिखने में या फिर काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा और पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। और इससे है कि ज़्यादा रंग, अगर रंग में आप डुबाओगे तो इसमें ज़्यादा रंग आएगा। पहले जो गिलहरी हेयर वाले जो आते थे ब्रश वो दोस्तों
काफ़ी अच्छा होता था, बट वो अब नहीं मिलता है। ये देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा पतला हेयर है, इसमें इसका जो थिकनेस है वो कम है। एक्चुअली ये 10 नंबर का है और ये 8 नंबर का, बट इसमें थोड़ा सा थिकनेस कम है, कम बाल कम है, और ये देखिए इसमें थोड़ा बाल ज़्यादा है। तो यही लोकल ब्रशेज में यही एक होता है दोस्तों, किसी में क्वालिटी कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, और ये 4 नंबर का मैंने ख़रीदा है, फिर 1 नंबर का जो कि आने वाले पेंटिंग्स में मैं यूज़ करूँगा, और ये सबसे मैं राइटिंग तो नहीं करूँगा दोस्तों। राइटिंग करने के लिए मेरा ये 2-8 नंबर का मैंने ख़रीद रखा है, और ये 10 नंबर का एक सारे कामों में आ जाएगा, पेंटिंग बनाने के काम में भी आएंगे और राइटिंग के लिए भी काम आएंगे। तो बस यही है, और ये सिंथेटिक्स हेयर है दोस्तों। और एक मैं ब्रश दिखा देता हूँ आपको जो कि पहले आते थे। ये देखो दोस्तों, ये जो ब्रश है ये काफ़ी शानदार इसका हेयर है, और इसका क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छा है। एक बार कलर में अगर इसे डुबो दोगे उसके बाद ये काफ़ी दूर तक चलता है दोस्तों। कहने का मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा रंग होल्ड कर लेता है ये ब्रश। और ये भी देखिए, और ये दोस्तों कृष्णा चित्रालय ब्रांड का है, आपको दिख रहा होगा। और ये दोस्तों काफ़ी कॉस्टली आता था, अभी तो दोस्तों इससे हम लोग काम भी नहीं करते, ये पुराना ब्रश है, कहने का मतलब मैंने रखा हुआ है। तो ये दोस्तों साइन बोर्ड वगैरह में ज़्यादा अच्छा होता है काम करने में। फाइनली दोस्तों आज इसी में मेरा टाइम बीत गया, मैं ब्रश लेने गया, वहाँ पर लड़के लोगों से मिला, उसी में दोस्तों टाइम वेस्ट मेरा हो गया। तो आज दोस्तों मैं आपको लोग कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, बट दोस्तों कल से रेगुलर पेंटिंग की वीडियो रहेगी। कुछ थर्माकोल वर्क्स मुझे करने हैं कल, तो मैं वो दिखाऊंगा दोस्तों आपको, और कल की वीडियो देखना मत भूलना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा उसमें। वैसे दोस्तों वही शादी वाला पेंटिंग वगैरह बनाना है मुझे, बट दोस्तों आज मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, और दोस्तों आज मैंने व्लॉग भी बहुत लेट से स्टार्ट किया था, क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे सुबह से लेके मतलब 10-11 बजे 12 बजे तक तो मैंने कपड़े ही धोए हैं दोस्तों। उसके बाद बाहर गया, उसके बाद तो दोस्तों मैं तोरपा ही चला गया। आप जानते हैं वहाँ के लड़के लोग काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, कहने का मतलब दोस्त ही हैं, तो वो लोग बोलते हैं क्या फालतू मजाक करते रहते हो वगैरह वगैरह। पहले पहले दोस्तों वो लोग मेरा वीडियो देखते थे, बट अब नहीं देखते हैं। और मुझे पता है दोस्तों कि जिनको आप सब्सक्राइब कराओगे वो वीडियो नहीं देखते हैं, जो खुद से सब्सक्राइब करके आते हैं वही वीडियो देखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोगों से इसी तरह मेरा प्यार बना रहे और आपका प्यार मुझ पर बना रहे, यही मैं भगवान से दुआ करूँगा। और आप लोग भी मेरा साथ ना छोड़ो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइज इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलूँगा आपसे एक नए व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।